Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you 5th chapter of 10th class, Footprint Without Feet, written by H.G. Wells. तो इसका हमने पहला वीडियो है वो कवर कर चुके हैं. अगर आप बेटा आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, ताकि वो आपको ताकि आप लोग इससे जो इससे पहले का जो आपने जो हिस्सा पार्ट रह गया उसको समझ सकें. तो शुरू करते हैं. सेकेंड पार्ट हमारा हुआ ये जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, जो उसने क्या किया, वो जो थिएटर कंपनी थी उसको लूट के, उसकी दुकान लूट के वहाँ से वो भाग निकला पैसे लेके, और आईपिंग नाम के जो गांव है उसमें आके उसने 2 कमरे बुक कर लिए. अब आगे की कहानी देखते हैं. तो एक स्ट्रेंजर का आने से क्या हुआ कि जो वहाँ पे जो लोग थे उनमें क्या हुआ, आपस में वो वहाँ पे बातें होने लगी. जैसे मान लो कि एक ये कॉमन सी घटना थी वहाँ पे, जो लोग आए वो इंडिविजुअल मैन आया तो सब लोग क्या करने लगे, सब लोग उसके बारे में बात करने लगे, क्योंकि ना उसने अनकॉमन सा उसका एक्टेंस था, बहुत ही बेकार सा था, मतलब एक अजीब सा था, मूछे और गॉगल्स और पूरा एक टाइप से पूरा अपने आप को कवर कर रखा था उसने, पूरे हर एक बॉडी के अंग को. तो ऐसे करके उसे लगा, उनको लगा कि ये तो बहुत ही कॉमन अनकॉमन सा एपीरेंस है. तो बहुत सारे लोग बातें करने लगे, उनकी जो जबान थी बातें करने लगी अपने आपस में, ऐसे करते ना जैसे आप लोग विस्परिंग करते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके. तो जो मिसेज हॉल थी, जो लैंड लेडी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई बार एफर्ट किया कि वो जो साइंटिस्ट है उससे फ्रेंडली हो जाए, लेकिन जो ग्रिफिन था उसने कभी भी कोई डिजायर नहीं की फ्रेंडली होने के लिए, और ना ही कभी उससे बात की. और उसने ये बोल दिया उस लेडी से, लैंड लेडी से जो कि मालकिन थी, उसे बोल दिया कि मैडम मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुझे अकेला रहना, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ पे आया, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे काम में, ओके. और वो ये बोलता ग्रिफिन कि वैसे ही मेरा जो पूरा फेस है वो अफेक्ट हो चुका है, किससे, एक्सीडेंट से. तो वहाँ पे झूठ बोलता है वो लैंडलेडी से, मिसेज हॉल से, कहता है कि भाई मेरा जो चेहरा है वो डैम थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है एक एक्सीडेंट में, तो मुझे तंग मत करिए. अब ये क्या हुआ, वो सोचती है कि जो उसका दोस्त है, जो उसका उसका जो गेस्ट है वो क्या है, एक साइंटिस्ट है, उसे लगता है कि बस साइंटिस्ट है, कोई बात नहीं है. तो सच्चाई तो ये थी कि जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, अपनी जो मालकिन को कुछ महीने का जो रेंट था वो एडवांस में दे दिया. और जो हॉल थी उसने कई बार उसकी जो हैबिट्स थी साइंटिस्ट की, तो जो लेडी थी मिसेज हॉल उसने क्या किया, जो उसका टेम्पर था साइंटिस्ट का, एक टाइप का सनकी था वो, तो उसने उसको ज़्यादा वो नहीं किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसने जब किराया एडवांस दे दिया तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई. लेकिन जो ग्रिफिन था उसका जो चुराया हुआ पैसा था, ज़्यादा टाइम तक नहीं वो चल सका, और लास्ट में उसने एडमिट किया कि मैडम मेरे पास और कैश नहीं है. उसने बहाना बनाया ग्रिफिन ने मैडम से, उस मालकिन से, जो मकान मालकिन थी उससे बनाया बहाना कि मैम मेरा चेक आने वाला है कुछ दिन में, कुछ ही खेड़ में आने वाला है, कोई भी दिन जा रहा है, तो मैं आपको बाद में किराया दे दूँगा. अब हुआ ये, कुछ टाइम बाद ही एक घटना घटी, और बहुत ही सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग की बात है. एक क्लर्जीमैन था, क्लर्जीमैन जानते बेटा आप क्या होता है, एक पादरी होता है. तो पादरी के घर में पादरी और उसकी वाइफ एक शोर सा हुआ, उससे सुनकर वो जाग गए, वो जो स्टडी रूम से आ रहा था, और नीचे वो जैसे ही वो गए तो उन्हें आवाज़ आ रही थी कोई जो ड्रॉवर है उससे मनी को निकाल रहा है, जो उसकी क्लर्जीमैन की जो डेस्क है उससे कोई मनी को निकाल रहा है. तो उसने क्या किया, क्लर्जीमैन ने बिना नोइस किए अपने हाथ में एक रॉड ली और उसे बहुत ही फ्रेमली पकड़ा, और वो जो क्लर्जीमैन था वो उसने एक टाइप से बहुत जल्दी में जाके दरवाज़ा खोला ताकि कोई मिल जाए. उसने दरवाज़े खोलती कहा सरेंडर कर दो, ऐसे करके कहा सरेंडर कर दो. लेकिन जो आश्चर्य की बात क्या थी कि जैसे ही उसने देखा तो रूम में कोई नहीं था, रूम खाली था. और उसकी वाइफ ने देखा कि जो डेस्क है वो खुला पड़ा है और जो पैसे हैं वो जा चुके हैं, वो मतलब चोरी हो चुकी है, और कोई किसी का भी साइन नहीं था वहाँ पे, ओके. तो जो सारी जो हाउस होल्डिंग मनी थी वो मिसिंग थी. अब ये तो वो सब लोग कह रहे थे, क्लर्जीमैन कहता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना है. वो अपने पूरे उसमें प्रोस में कहने लगा इस सब बात को, लेकिन ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं थी. क्योंकि जो एक बार क्या हुआ था, जो मॉर्निंग में जो मिसेज हॉल का जो फर्नीचर था वो मूवमेंट करने लगा मॉर्निंग में,
ओके। तो जो लैंडलॉर्ड है उसकी वाइफ है मिसेस हॉल, जैसे वो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में वो जगे तो उन्हें सरप्राइज हुआ और उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट है उसका रूम, उसका जो डोर है वो खुला हुआ है और यूजली जो डोर था वो बंद रहता था। तो क्योंकि ना जो ग्रिफिन था उसका जो बिहेवियर बहुत ही फ्यूरियस था, तो उसके रूम में कोई घुसता नहीं था, तो उनको अवसर मिल गया और वो जाके रूम में घुस गए और देखा कि जो रूम रूम का जो जो उसकी हालत वो कैसी है। जो बेड क्लॉथ थे काफ़ी कोल्ड थे और लगता था कि जो साइंटिस्ट है वो बहुत पहले समय से गायब हैं। ओके, तो अब क्या हुआ, जो सारे क्लोज थे, शूज, सारा कुछ था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था कमरे में। अब अचानक क्या हुआ, मिसेस हॉल को एक उनके कान के पास कुछ आवाज़ सुनाई देती है और एक मोमेंट में क्या होता है कि जो हैट है वो आके बेड पोस्ट पे जाके वो एक अपने आप ही ऊपर टक जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो फेस, जैसे वो फेस पे जाके वो हेड टक की, जैसे मान लो कि जो ग्रीफन आ गया और उसने अपनी हेड को उठाया तो वो दिखेगी ना कि भाई हेड कहाँ तक गई जाके, तो बेडरूम की जो चेयर थी वो अलाइव हो गई और वो जो चेयर थी वो हवा में क्या हुआ, वो जो ग्रीफन ने क्या किया, उस चेयर को जो हॉल है उसके अगले पैरों में मार दिया और बेचारी जो हॉल है और उसका पति है वहाँ से वो भाग गए डर के मारे। और ये बहुत ज़्यादा उसे लगा कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर है ये सब कैसे हुआ है, ये सब उस साइंटिस्ट ने कर दिया। अब वो बेचारी हॉल थी, मुश्किल से वो बहुत मुश्किल से बच पाई, लगभग वो स्टेयर से सीढ़ियों से गिर चुकी थी, बेहोशी हो गई थी और उसे मालूम हो गया कि ये सब क्या है, ये इस रूम में क्या है, कुछ आत्माओं का वो है, इसमें कुछ आत्मा है, कुछ भूत प्रेत है, उसे लगा उसको। और कैसे करके उसे लगा कि ये जो स्ट्रेंजर है इसने इनमें जो मेरा जो फर्नीचर है इसमें इस आत्माओं को एंटर करवा दिया है। अब वो बेचारी सोच रही है कि मेरी जो बेचारी माँ, तो हॉल सोचती है मेरी माँ इस पर बैठा करती थी चेयर पे और यही चेयर मेरे खिलाफ खड़ी हो गई मुझे मारने के लिए, तो उसे ये बहुत उसे दुख हो रहा है। अब ये क्या हुआ, ये जो फीलिंग थी, ये जो पड़ोस था उसमें सब में फैल गया, उसमें सब में खबर फैल गई कोई जादू टोना हो रहा है इसमें इस कॉलोनी में। तो ये कोई जादू टोना नहीं था, कोई विचक्राफ्ट नहीं था, ये जो न्यूज़ था बल्गरी का, चोरी का, पूरे उसमें फैल गया, क्लेरिजी मैन ने पूरे अपने पड़ोस में फैला दिया। अब जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसको सस्पेक्टली सबने उसको एज ए थीप उन्होंने उसे संदेह किया, सबको लगा था कि जो ये जो स्ट्रेंजर आया इसने किया है। और ये जो सस्पेशन था जब और ज़्यादा बढ़ गया सस्पेशन, कि जब उस साइंटिस्ट ने मिसेज हॉल को किराया दे दिया, पहले तो उसने मना कर दिया मेरे पास कैश नहीं है और बाद में उसने कुछ कैश ला के उसको दे दिया हॉल को, तो ये जो डाउट था ये और बढ़ गया। अब क्या हुआ था कि गांव वालों ने क्या किया, जो कांस्टेबल था गांव का उसे बिल्कुल ही रहस्यमय तरीके बिल्कुल चुपचाप से बुला दिया गया, जो खबर भेज दी गई। मिसेज हॉल ने बोल दिया कि भाई जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ऐसे ही गांव वालों ने बोल दिया। फिर क्या हुआ, मिसेज हॉल साइंटिस्ट के पास गई, जो ग्रीफिन के पास गई और उनसे पूछा कि तुम कौन हो, ठीक है। तो जैसे ही वो साइंटिस्ट अपने उस रूम में मिस्ट्रेसली वैसे वो इंटर हुआ, मतलब वो उसमें घुसा, तो हॉल ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और तुम मेरी चेयर को क्या कर रहे थे, उसने ऐसे कमांड किया। अब वो जो सन की था वो ग्रीफिन, वो थोड़ा सा अपना उसने धैर्य खो दिया, पेशेंस खो दिया, वो उसने कह दिया कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ, ऐसे बोलता है वो। ओके, तो साइंटिस्ट क्या था, वो बहुत ही क्विकली उसका टेम्पर था वो बहुत ज़्यादा, उसने टेम्पर लूज कर दिया और फ्यूरियस हो गया, बहुत ही उसमें आ गया, गुस्से में आ गया और उसने कहा कि यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, उसने कहा कि तुम्हें जानती मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और वो चिल्लाया कि देखो आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मैं कौन हूँ, ऐसे बोला वो साइंटिस्ट। अचानक क्या हुआ, उस साइंटिस्ट ने क्या किया, अचानक अपने जो सारे बैंडेज थे और अपनी जो मूछें थी, चश्मे थे और जो फाल्स नोज थी वो फेंक दी, और इसको करने में से एक मिनट लगा और ये बहुत ही हॉरीफाइड, उसने पूरे पीपल्स को वहाँ पे जो लोग थे सबको हॉरीफाई कर दिया। और अब क्या था, वो केवल एक हेडलेस मैन था। ओके, आगे देखिए, तो जो जेफर्स था जिसको गांव वालों ने इन्फॉर्म किया था वो आ गया था वहाँ पे उस पॉइंट पे, और उसे सरप्राइज हुआ वो कि उसे ऐसे आदमी पकड़ना जिसका सर नहीं है। लेकिन जो जेफर्स था वो काफ़ी ऑनेस्ट कॉन्स्टेबल था, उसने ये सोच लिया कि अगर
अगर मजिस्ट्रेट किसी का वारंट दे दे कि इसे गिरफ्तार करना है, चाहे वो उसका सर हो या ना हो, ड्यूटी इज ड्यूटी। उसने ये सोच लिया कि मुझे तो उसे अरेस्ट करना ही करना है, सर के या बिना सर के। अब हुआ क्या आगे, एक रिमार्केबल सीन हुआ। जो पुलिसमैन था बेचारा, उसने कोशिश की उसको पकड़ने की ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, लेकिन जो ग्रिफिन था वो इंडिविजुअल होता गया। उसने अपने सारे कपड़े उतारता गया वो, और उनको फेंकता गया हवा में एक के बाद एक, और फाइनली क्या हुआ, एक शर्ट हवा में उड़ी तो कांस्टेबल ने शर्ट को पकड़ लिया, और फिर वो उसके साथ में उसको खींचने लगा, आपस में वो खींचतानी करने लगे। मतलब क्या था, जो जो ग्रिफिन था उसने शर्ट उतारी उसने, तो आधी उतरी होगी, आधी रहेगी होगी बॉडी में, तो उस वो पकड़ ली कांस्टेबल ने, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे उसको खींच रहे हैं एक दूसरे को, लोगों ने उसकी कोशिश की, उसकी हेल्प करें कांस्टेबल की, लेकिन क्या था, जो साइंटिस्ट था उसने जो लोगों को खींच खींच कर स्लैप मारे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे वो स्लैप, ओके। अब क्या हुआ लास्ट में, जो बेचारा एंड में क्या हुआ, जो जैपर्स था वो बेचारा नीचे गिर गया बेहोश होके लास्ट अटेम्प्ट में, और वो उसको वो जो साइंटिस्ट था वो अनसीन हो गया भाई। यही तो हुआ लास्ट में, वो जो साइंटिस्ट था वो बच गया। अब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या था, घबराहट भरी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीखें निकल रही थी, बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे थे कि पकड़ो उसे पकड़ो, फोल्डे में ऐसे कर रहे थे। और लेकिन जो साइंटिस्ट था वो वहाँ से जा चुका था। ये सब कहना तो बहुत ईजी था, हमारे एचजीवेल्स बोलते हैं कि सब लोग कह रहे थे कि पकड़ो पकड़ो, लेकिन बहुत ईजी था ये सब कहना, लेकिन करना बहुत टफ था। ग्रिफिन ने क्या किया, अपने आप को फ्री कर लिया, और कोई भी नहीं जानता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए, ओके। और यहाँ पे बेटा इस कहानी का अंत होता है, और काफ़ी ईजी कहानी है, और एग्जाम में अब की बार भी इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, सॉरी नहीं शॉर्ट लॉन्ग भी आया था एक सेट में, तो 8 नंबर का। अब देखिए लॉन्ग भी आया था शॉर्ट भी आया था, 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आए थे इस बार। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसी चैप्टर को ढंग से पढ़ें, और कोई डाउट रहे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ओके बेटा, थैंक यू।